वेलकम टू minusbanu.com। आज की वीडियो फिर से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राजमा मसाला, वो भी बिना लहसुन प्याज के, यानी कि ये भी है नो ओनियन गार्लिक रेसिपी, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो राजमा भी पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो भी जो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते और राजमा भी खाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजमा मसाला तो बिना लहसुन प्याज के बन ही नहीं सकता, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी राजमा मसाला बनाना सिखाऊंगी बिना लहसुन प्याज के। क्योंकि यूजुअली हम जब घर में खाना बनाते हैं तो हम उसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, इसलिए हर सब्जी हमारी होती है बिना लहसुन प्याज के। इसलिए आज मैं बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की राजमा, जिसके हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं राजमा मसाला। जितने हमारी राजमा बॉईल हो रही है उसके साथ साथ हम उसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए पहले आप एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है जिसे मैं जला चुकी हूँ ताकि उसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। राजमा मसाला बनाने के लिए मैं उसमें खड़े मसालों का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं उसमें लहसुन और प्याज नहीं डाल रही हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़े मसाले उसका बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। इसके लिए मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, लौंग, इसको बस आप थोड़ी सेकंड के लिए आप इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से जो राजमा होगी वो काफ़ी डाइजेस्टिव बनेगी और साथ में हम इसमें डालेंगे जीरा। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं जो भुना हुआ होता है, या फिर आप साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही जीरा हल्का ब्राउन हो जाए हम उसमें डालेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को जो हमने पीसा हुआ है यहाँ पे, वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ही टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके रखा हुआ था और अब इसमें ऐड कर दिया है। इसके लिए मैंने 6 से 7 टमाटर का यूज़ किया है क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। टमाटर के साथ साथ मैंने इसमें 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च डाली है और साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने चॉप किया था और वो टमाटर के साथ ही पीस दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखें जो मैं आपको सिखाऊँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मीनूस मेन्यू को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज मीनूस मेन्यू को भी लाइक करें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि जब हमने राजमा बॉईल की थी तो मैंने उसमें हल्दी और नमक ऑलरेडी ऐड किया था, तो यहाँ पे हम नमक का भी थोड़ा ही यूज़ करेंगे जिससे कि नमक बैलेंस हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, आप 1/4 चम्मच गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें खड़े मसालों का भी यूज़ किया है, तो गरम मसाला बहुत ज़्यादा ना डालें नहीं तो राजमा का टेस्ट बिगड़ सकता है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूट जाए। जितने हमने मसाला तैयार किया उतने इसमें 5 विसल आ चुकी ही थी और अब हमने इसे खोल लिया है। इसे खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें राजमा जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसे छोड़ देंगे और जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसको राजमा के अंदर मिक्स कर देंगे। हमारा तड़का बनके एकदम तैयार है, अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कुकर में। इसके बाद मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी, आप भी अपने हिसाब से इसमें पानी और डाल सकते हैं, जितना अगर आपको पानी कम लगे आप इसमें पानी और ऐड कर दें। टमाटर के तड़के को इसमें मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और फिर इसमें 6 से 7 विसल लगाऊंगी, या जब तक ये पक ना जाए, क्योंकि सबका कुकर का अलग अलग हिसाब होता है, इसलिए जिस हिसाब से आपको कुकर वर्क करता हो उस हिसाब से आप इसमें विसल्स लगाएं। कुकर में सीटी लगाने के बाद अब मैंने राजमा को खोल लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजमा और बिल्कुल बन के तैयार है और इसका कलर कितना ही अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट बनी है। ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको खाते हुए कि इसमें प्याज की कमी है या लहसुन की कमी है, तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। और इस रेसिपी को ट्राई करें, इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको भोग भी लगा सकते हैं अपने भगवान जी को। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।